अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा खान व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठीक ठाक होंगे। आपको दीदी ईद मुबारक। आज का तो व्लॉग लेके आई हूँ मैं फाउंडेशंस के ऊपर, और मैं आपको ईद का व्लॉग नहीं दे सकी, सॉरी व्यूअर्स, बहुत बहुत सॉरी दिल से। ये मिस्टर मिसबा की पैकेजिंग है, ये मिस्टर मिसबा की फाउंडेशन है, सिल्क फाउंडेशन न्यू शेड है, और इसके ऊपर लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, हलाल है प्रोटेक्ट, और इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए बैक साइड पे भी, इसकी डेट एक्सपायरी डेट कब बनी, और ये उसका है, और ये ऊपर से हम ओपन करते हैं। ये मिस्टर मिसबा की फाउंडेशन है, शीशे की बोतल है, प्लास्टिक का ऊपर से ढक्कन है। मैंने इतनी यूज़ की है ना, आपको बता नहीं सकती। मेरे मुंह पे स्पॉट्स वगैरह हैं, ब्लैक कलर के स्कार्स वगैरह, उनको छुपाने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे लिए कलर के साथ से भी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। न्यू शेड है इसका, देख रहे होंगे व्यूअर्स, आप नज़र तो आ रहा होगा आपको। और अभी इसका मैं ढक्कन ओपन कर रही हूँ। हालत पे ना जाना, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ की है, मैं बता नहीं सकती जितनी मैंने यूज़ किया ना, मेरे घर में किसी ने यूज़ नहीं की थी। ये हमारे घर सेकंड बोतल आई है, ये इसकी टेक्चर है, और इसको मैं कर रही हूँ ब्लेंड, ब्लेंड करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छी है, मतलब कि डार्क है, मेरे लिहाज से शेड डार्क है। आप इसका फेस भी शेड है, इसके हर किस्म के आप शेड ले सकते हैं, बहुत अच्छी है, हाइली रिकमेंड। सर मिसबा भी काशिश जो है ना, मैं अब काशिश का बताती हूँ। ये ब्लेंड हो गई है, अब नेक्स्ट बेस पे हम आते हैं। ये मेरा स्किन का कलर है, स्किन का कलर है, और ये मिस्टर मिसबा का हमने ब्लेंड किया। अब मैं इसके साइड पे ये मेहंदी का जो मेरा रिएक्शन हुआ था, मैं इसी के ऊपर आप लोगों को करके दिखाती हूँ काशिश का, ठीक है। और ये काशिश की पैकेजिंग है, ये काशिश की इसके बैक साइड पे भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है, और ये उसके पेजेस नंबर, फेसबुक इस पे का, इंस्टाग्राम का, क्लासिक्स एवरी 05 शेड है, अच्छी बेस है। बस इसका ये एक मसला है कि ये जब इसको हम लगाते हैं, इसको फौरन ब्लेंड करना पड़ता है, ये वहीं ठहर जाती है। ये काशिश की मैक जैसी बोतल की पैकेजिंग है, ये देख लें, इसकी भी हालत देख रहे होंगे आप, ज़रूर देख रहे होंगे मेरे कारनामे आप। और इसका नंबर है 6 every 05, और ये मेरी कज़न ने लिया था, तो मैंने उससे पूछा थी कैसी है, कहती अच्छी है। मैंने मिस्टर इस बार जल्दी ब्लेंड हो जाती है, ये वहीं पे बात ठहर जाती है। अब इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे, ये खुल गई है, ओपन हो गई है, और ये मेरे निशान हैं, मैं इधर वन ड्रॉप आ नहीं रही, ये आ गई। ये आपको अब मैं आप बंद करके दिखा रही हूँ, ये बंद हो गई, और ये मेरे हाथ पे आ गई काशिश। ये मिस्टर मिसबा, ये काशिश है। अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत मुश्किल से होती है ब्लेंड, फौरन करनी पड़ती है। और ये मिस्टर मिसबा डार्क शेड में है मेरे पास, अगर आप लेना चाहें फेयर भी है। मुझे एक लड़की, उस जिधर से मैंने ली थी, उस लड़की ने मुझे कहा था कि आप थोड़ी सी फेयर लें, आप न्यूट ना लें, वरना मैं जब ये लगाती हूँ मिस्टर मिसबा ब्लैक हो जाती है। और ये काशिश देखें आप, इतनी अच्छी है। ये फेयर शेड है और ये डार्क शेड है। देखिए, मैं पहले नीचे ये लगाती हूँ, उसके ऊपर ये लगाती हूँ, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, हाईली रिकमेंड दोनों करती हूँ। मेरे कहने पे आप काशिश भी लें, मेरे कहने पे आप मिस्टर मिसबा भी लीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिएगा, मत भूलिएगा, आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घंटी के बटन को दबाना ना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। दिली ईद मुबारक।